हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मात्र 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं कई सारे क्वेश्चन जो कि आज के न्यूज़पेपर के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमेशा की तरह दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन को रेगुलर देखिए, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप सुबह 8 बजे वाले सेशन को भी जो है वो कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे 5:05 हो चुके हैं और 100 बच्चे हैं जो कि जाग चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रगति, गिरेश, सुशील, पृथ्वीराज, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज है 24th of June और जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल मैंने पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे, कर्नाटका के सीएम ने 20,000 सिनेमा और टीवी कलाकारों को कितने राशि की एक मुफ्त राहत देने की घोषणा करी है। ओके गाइस, तो वन टाइम रिलीफ है जो कि यहाँ पे सीएम ने बोला है कर्नाटका के सिनेमा टीवी आर्टिस्ट उन सभी को, तो कितने का है वो 3,000 करोड़ रुपए का दोस्तों वन टाइम रिलीफ है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आज के टाइम पे सारे सिनेमा हॉल्स आर्टिस्ट जो टीवी है सभी लोग जो है वो काफी डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिस्ट को भी जो है 6 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर करे गए हैं, सभी को फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है 2,000 करोड़ रुपए का, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कर्नाटका के बारे में बात करें तो कर्नाटका बेंगलुरु कैपिटल है, 56 में फॉर्मेशन हुआ, 6 करोड़ की पॉपुलेशन है, 75% लिटरेसी, सेक्स रेशियो 973, विधानसभा की 225 सीटें, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे गोमतेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस है ना, और लेक के अंदर यहाँ पे लेक के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई खास नहीं, पेपर में लेक में सवाल नहीं बनेगा, कुछ ऐसा ही नहीं। रिवर्स आप सभी को मालूम है, बहुत सारे रिवर्स है, फेमस डैम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगभद्रा डैम, इसके अलावा भादरा डैम, भादरा रिवर के ऊपर, है ना, घाट प्रभा डैम, हेमावती डैम, ओके, ये सारे डैम। अलमारी डैम बहुत ही फेमस है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। फोक डांस के अंदर यश घाना, और ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है घर बैठे, तो आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आपसे रेफरल कोड पूछेगा, तो आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी भी एग्जाम में के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं आपको, और साथ में अगर आपको कंप्लीट GK पढ़नी है तो आप SSC के अंदर न्यू फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं हिस्ट्री से शुरुआत है जो कि मैंने करी है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे, 2 साल के लेने पे आपको 4 मंथ का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। जल्दी ही जो है प्राइसेस भी राइज हो जाएंगे, तो आप ले लीजिएगा। SSC की बात करें, UPSC, IIT, NEET, ओके, इनमें से कोई भी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने सेलेक्ट करें, नीचे BHU10 जो कि आपको लगाना है। आज का पहला सवाल, कौन सी राज्य सरकार इस वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करेगी, जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वाटर कनेक्शन टू 25 लाख रूरल हाउसहोल्ड दिस ईयर जल जीवन मिशन के तहत, किसने बोला ऐसा? ऐसा बोला है कर्नाटका ने दोस्तों। जल जीवन मिशन आप सभी को मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्बिशियस मिशन है, जिसमें 2024 तक हर घर के अंदर टैप वाटर है जो कि पहुंच जाए, इसको लेकर है। ओके, वज्जुभाई वाला यहाँ पे गवर्नर है, सीएम येदुरप्पा है, कैपिटल बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनके बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च है जो कि करी है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, गुजरात आपका सही जवाब है, तो डी आपका सही आंसर है। चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के हैं विजय रूपानी, उन्होंने दोस्तों लॉन्च किया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट है जो कि हो सके। ओके गाइस, चलिए, इसमें फर्टिलाइजर जो है ना, सीड असिस्टेंस ट्राइबल फार्मर को जो है फर्टिलाइजर से जो कि मिलेंगे, 45 kg का यूरिया, 50 kg का NPK, 50 kg अमोनियम सल्फेट, ये सभी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, गुजरात की बात करें, आचार्य जी यहाँ पे गवर्नर है, सीएम विजय रूपानी है, कैपिटल गांधीनगर है,
और लिटरेसी 78% है, जनसंख्या 6 करोड़ के आसपास, ठीक है। चलिए सेक्स रेशियो 919, 182 विधानसभा, लोकसभा की 26, 11 राज्यसभा की सीटें आपको देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा मैप है। अब देखिए सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश दोनों फेमस है बहुत, और लेक के अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर साबरमती, तापी, बेटवा, माही, डैम में सरदार सरोवर हो गया, यूकाई डैम हो गया, कांडना हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माधव सिंह है ना, माधव सिंधिया यहीं पर ही है, मोतीबाग स्टेडियम यहीं पर ही है। चलिए मोदी जी के नाम से भी स्टार्ट हुआ है स्टेडियम जो, ठीक है। और कांडला पोर्ट जो है, दीनदयाल पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वांसा, ये सारे यहीं पर ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर बात करूं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल पार्क आपके सामने है बताई दिए मैंने। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ककरापुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठी वर्दी के अंदर भी है, वो भी बहुत फेमस है, बन रहा है वहां पे। चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली शुरू करेंगे? देखो इसकी पीडीएफ जो है गाइस आपको मिलेगी करंट अफेयर बाय भुवनेश्वर करके टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें 61,000 बच्चे हैं, प्लस 61,000 के प्लस कुछ बच्चे हैं, वो वाला टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा, उसमें मैं डेली डालता हूँ। चलिए सीएम दोस्तों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल करवाने वाले, ये भी कर्नाटका है। तो कर्नाटका आज दोस्तों हर जगह पे आंसर आ रहा है। ये देखिए पंजाब ने भी दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, केरला ने भी बना दिए, दिल्ली ने तो पहले बना दिए थे। तो कर्नाटका के जो सीएम है येदियुरप्पा जी, उन्होंने भी दोस्तों स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। 2500 स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट रूम क्लासेस, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन टैबलेट है जो कि 1.5 लाख स्टूडेंट को करे गए हैं। ओके तो यहाँ पे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन के अंदर है, मतलब स्कूल के अंदर तो नहीं करे लेकिन हायर एजुकेशन में है जो कि स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस जो कि बनाई गई है। यूनेस्को के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की स्थिति की सूची में डाला जाना चाहिए, वह डैश में मौजूद है। आपको मालूम है यूनेस्को ने बोला है कि ग्रेट बैरियर रीफ धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसको इन डेंजर वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए। कहां पर है ये? है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है गाइस, नॉर्थ ईस्ट वाले ऑस्ट्रेलियन एरिया में है, ठीक है। यूनेस्को की बात करें 16 नवंबर 1945 को फॉर्मेशन हुआ, ऑन्ड्रे इनका एटर जनरल है और हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। ओके ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर देखने को मिलती है। चलिए ये देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने कृषि और संबंध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर फील्ड। चलिए कौन से देश के साथ में किए गए दोस्तों? ये करे गए हैं आपके फिजी के साथ में, छोटा सा कंट्री है गाइस। ओके तो उसके साथ में हमने एमओयू साइन किया है एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर में काम करने को लेकर, कोकोनट इंडस्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, वाटर रिसोर्सेस हो गया, है ना। फिजी की बात करें दोस्तों तो सुवा कैपिटल है, जियोजी प्रेसिडेंट है, करेंसी यहाँ पे डॉलर है जो कि चलती है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। चलिए ठीक है, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल है जो कि हुआ करता था, है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना वहीं से ही पास होता है ना। एक दिन अगर यहाँ पे खड़े होगे तो एक फुट आपका एक दिन पहले होगा, एक दिन आगे होगा, ठीक है। चलिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोविड 19 टीकों की खरीद के लिए बांग्लादेश के लिए कितनी राशि के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है? जल्दी बताइए। एडीबी ने दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए बांग्लादेश को कितने, नियर बाय $1 बिलियन, $940 मिलियन है दोस्तों जिसकी मदद दी है ताकि वो काम कर सके। एडीबी के बारे में आपको मालूम है, मनीला में हेडक्वार्टर है, ऐसा कोवा हेड है, 1966 में फॉर्मेशन हुआ, 68 कंट्रीज है जो कि इसकी मेंबर है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने प्रदूषण नियंत्रण जहाजों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है? डिफेंस मिनिस्टर ने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बना सके। कितने, 2 वेसल का दोस्तों यहाँ पे एमओयू है जो कि साइन किया गया है, ठीक है गाइस, 2 एमओयू का साइन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया है।
पॉल्यूशन के लिए है, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोस्ट गार्ड वाले एरिया में है ना, उन चीजों के लिए है। ठीक है, चलिए हम क्या चाह रहे हैं कि भाई टेंडर भी दे तो हमारी कंपनी को दे, ताकि पैसा जो है वो घर में ही रहे हमारे, इसीलिए जो है यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए नियर बाय 600 करोड़ रुपए का कॉस्ट है जो कि इसका आने वाला है। ओलंपिक के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? रानी जी तो है दोस्तों महिला टीम की कैप्टन। पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम के कौन बने? मनप्रीत सिंह है दोस्तों जो कि बने हैं। बी आपका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है गाइस, मनप्रीत सिंह 2012 के समर ओलंपिक में भी एशियन जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर 2014 में बने। 16 के अंदर समर ओलंपिक के अंदर भी शामिल थे मनप्रीत सिंह। ठीक है, एशिया कप इनकी कैप्टनशिप में जीता, एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती, FIS सीरीज का फाइनल में पहुंचे, तो काफी बढ़िया माने जाते हैं कैप्टन प्लेयर। ये देखिए मनप्रीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय डाक द्वारा निकाला गया विशेष पोस्टर कवर जारी किया? गुजरात गवर्नमेंट ने दोस्तों अनाउंस किया है पॉलिसी फॉर, अरे ये वाला नहीं है ऊपर वाला है, गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स, आने वाले कितने सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी है जो कि गुजरात के द्वारा अनाउंस करी गई है। रिसेंटली दोस्तों गुजरात ने 4 सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, उसके ऊपर सब्सिडी, इनके बारे में दोस्तों जानकारी है जो कि दी थी, और 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आने वाले 4 सालों में रोड के ऊपर एम है जो कि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, देखिए जरूरी यही है इलेक्ट्रिक के लिए कि चार्जिंग स्टेशन बने, चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो लोग लेके करेंगे क्या उससे, मतलब पानी डाल के चलाएंगे क्या उसको, तो ये जरूरी है। नए आईटी पोर्टल पर में मुद्दों पर मंत्रालय और इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक की अध्यक्षता किसने की है बताइए? इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पे निर्मला सीतारमन। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दोस्तों मीटिंग करी। ओके, इंफोसिस के कई सारे इश्यूज, इंफोसिस के भी लोग थे वहां पे, नए इनकम टैक्स पोर्टल पे जो इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया गया। ठीक है गाइस, कई सारे ग्लिचेस थे, कई सारे प्रॉब्लम थे, काफी टाइम से बंद पड़ी थी। चलिए ठीक है, सलील पारेख जो है इंफोसिस के हेड है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। IIIFCL ने मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपने शुद्ध लाभ में 3 गुना से अधिक 325 करोड़ रुपए की छलांग लगाई, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? IIIFCL ने 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट है दोस्तों जो कि इस बार अर्न किया, इसको 2006 में दोस्तों स्थापित है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ओके ये इसका फुल फॉर्म है। तो 3 गुना प्रॉफिट है जो कि इस बार इन्होंने अर्न किया है। इसके जो डायरेक्टर है वो है जयशंकर जी। ठीक है गाइस, तो परफॉर्मेंस जो है वो काफी बढ़िया रही है। चलिए, हाल ही में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? MOU साइन किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में रूरल प्रॉपर्टी सर्वे करने को लेकर, तो ये आसाम के द्वारा दोस्तों किया गया है। स्वामित्व स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे गांव-गांव में का जो एरिया है उसको मैपिंग करी जा रही है, उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, उसी वजह से दोस्तों आसाम ने भी जो है ये फैसला लिया है। जगदीश जी यहाँ पे गवर्नर है, CM हेमंता जी है, दिसपुर कैपिटल है, आप देख सकते हैं 14 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा, 126 विधानसभा। टेम्पल कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस है। ठीक है, हैफलोंग लेक, सोन भील लेक, बिहू डांस, झूमर डांस है ना, इसके अलावा दिब्रू नेशनल पार्क, काजरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, बर्ड सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके सवाल, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU10 है जो कि अनअकैडमी पे यूज कर सकते हैं। प्लस के टाइम पे आपको ये देखिए अनअकैडमी आप मोबाइल डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पे SSC में अपना गोल सिलेक्ट करें, UPSC, IIT, GATE जो भी आपका गोल है, फिर नीचे प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने का सिलेक्ट करें, नीचे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस 23 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ओके इसकी शुरुआत कब करी गई थी ये आपको बताना है।
तो ये था आज का आपका सेशन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं 8 बजे वाले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।